दिशा परियोजना द्वारा किया गया एक पहल रायगढ़ जिले के 35 स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और अनियमित बच्चों को नियमित करने के साथ साथ पालकों को विद्यालय से जोड़कर बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के दिशा में 35 स्कूलों के शाला प्रबंधन समिति का एक दिवसीय SMC चैंपियन वर्कशॉप रायगढ़ के रजवाड़ा पैलेस में किया गया। दिशा परियोजना द्वारा किया गया एक पहल रायगढ़ जिले के 35 स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और अनियमित बच्चों को नियमित करने के साथ ही पालकों को विद्यालय से जोड़कर बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने की दिशा से 35 स्कूलों के शाला प्रबंधक समिति का एक दिवसीय SMC चैंपियन वर्कशॉप रायगढ़ के रजवाड़ा पैलेस में किया गया, जिसमें उनके द्वारा किए गए बेहतर कार्यों को बताते हुए आगे के दिनों में वो किस तरह और बेहतर कार्य अपने विद्यालय के लिए कर सकते हैं कार्यशाला के माध्यम से बताया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में रायगढ़ के DMC R.K. देवांगन, APC भूपेंद्र भुवनेश्वर और विकास खंड तमनार के BO S.K. प्रधान उपस्थित थे, जिनके द्वारा उपस्थित सभी अध्यक्ष एवं सदस्यों को उनके विद्यालय में शाला प्रबंधन समिति के कार्यों और दायित्वों को दिशा परियोजना के साथ मिलकर किस तरह पूरा किया जा सकता है उसे बताया गया। इस पूरे कार्यशाला का संचालन दिशा परियोजना के मास्टर ट्रेनर टी रघुनाथन नायर, PC अजहर कुरैसी, RP पायल, सविता रोशन, हितेश और दिनेश के साथ ही समुदाय समन्वयक भी उपस्थित रहे। पहले से मेरी ड्यूटी थी, मैं जानकारी था, लेकिन जैसे ड्यूटी हूँ मेरे को अच्छा लगा। इसमें मेरे बच्चे लोग को बहुत अच्छा ज्ञान मिला, बहुत अच्छा शिक्षा मिलता है, इससे दिमाग भी अच्छा होता है और हम लोग को संस्कारी अनुसार से देखता है भी है लोग बच्चे लोग, उसमें वातावरण भी सीखती है, सुरक्षा भी सीखती है, अपना हर तरह से उसको लाभ भी मिला है। किस स्तर का काम कर रहा है मैडम? अच्छा स्तर पर काम कर रहा है, जैसे कोई ऐसा चीज़ यहाँ स्कूल में हो, बच्चे लोग को ज्ञान ना हो, बच्चे लोग शिक्षित सीखने नहीं आ पा रहे हैं, उसको ढूंढ ढूंढ कर घर में जाकर अथी कर कर संगठन बनाकर उसको लिया कर तब स्कूल में उसको ज्ञान दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उससे हमको बहुत अच्छा लगा, लाभ भी हुआ है, बच्चे लोग को भी, माँ बाप को भी लाभ हुआ है, इसलिए पेरेंट्स लोग भी इस पर खुश हैं, इस पर अच्छा। दिशा में ये जो क्षमता है 35 शालाओं को जो उनने गोद ले रखा है, मैं तो ये मानता हूँ कि बुझे हुए दीपकों को जलाने का कार्य जो हो रहा है तो दिशा फल मिल जाती है। और मैं चाहूँगा कि निरंतर दिन ब दिन ये संस्था अपनी दिशा पर अग्रसर होता रहे और ग्रामीण बच्चों का कल्याण करता रहे। डिस्ट्रिक्ट जिला रायगढ़ में ये दिशा प्रोजेक्ट संबंध जो कार्यक्रम यहाँ रखे रही हैं, ये रजवाड़ा पैलेस में यहाँ कम से कम हमन 35 स्कूल के गार्जियन समिति के जो मेंबर है शाला विकास समिति के, वो 35 स्कूल के मेंबर पहुँचे रहें। यहाँ दिशा प्रोजेक्ट के जो कर्मचारी मन आके बतैन कि दिशा प्रोजेक्ट के माध्यम से जो स्कूल गोदनामा लिया गई से ये स्कूल में विकास पर अपन पूरा चिंता करते हैं और नया नया आयाम से बच्चा मन के शिक्षा दीक्षा पर मन के डेवलपमेंट पर हमेशा तत्पर रहते हैं। यह गवर्नमेंट स्कूल के सहायक के रूप में ये जो HDFC सौजन्य से जो दिशा प्रोजेक्ट है तैयार हमर बच्चा मन के विकास के खातिर पर ये कार्यक्रम चलाते हैं। आगामी आने वाला समय में एकर सुनहरा भविष्य हर बच्चा ल मिल ही, एकर लिए अपन दायित्व बनत है कि हम मन अपन के स्कूल के खातिर बर अपन के बच्चे मन के खातिर बर जतका भरसक प्रयास करके उमन के सहयोग करी और आज के जो ये कार्यक्रम में हमन ला जो शिक्षा दीक्षा मिली से, जैसे कि हमारे बीच में अजहर सर जी रहीन है और ये जो रघुवर सर जी रहीन हो, ये सब मन बहुत बढ़िया ये शिक्षा के विकास के बारे में चर्चा। आज जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम कुछ इस तरह से था। इस कार्यक्रम का नाम था SMC चैंपियन वर्कशॉप और ये जो वर्कशॉप है जो दिशा कार्यक्रम चल रहा है यहाँ रायगढ़ में, उस रायगढ़ में 35 मिडिल स्कूलों के साथ हम ये काम कर रहे हैं और इन 35 मिडिल स्कूलों में जो SMC है जो काम करती है, तो हमने 35 मिडिल स्कूलों से हर एक मिडिल स्कूल से दो दो SMC के चैंपियंस को सेलेक्ट किया था, एक्टिव लोगों को सेलेक्ट किया था और उनको यहाँ पे इकट्ठे करके आज हमने एक दिन की कार्यशाला उनके साथ की थी और ये उनके लीडरशिप के विकास के लिए ये कार्यशाला का आयोजन किया गया। बच्चों को इसमें किस तरह का फायदा मिलता है सर?
देखिए इस कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो इस कार्यक्रम में हम दो मुख्य तरह से काम कर रहे हैं। एक तो हम अकादमिक काम में भी फोकस कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चों के भाषाई कौशलों के विकास के लिए काम कर रहे हैं और गणितीय कौशलों के विकास के लिए काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम बच्चों के अंदर लाइफ स्किल डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस कार्यक्रम में दो संस्थाएं लर्निंग लिंक फाउंडेशन और मैजिक बस इंडिया फाउंडेशन, ये दो संस्थाएं मिलकर के काम कर रही हैं, और सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से जो सर्व शिक्षा अभियान की जो बॉडी है वो हमें इस कार्य में मदद करे। खरसिया से कृष्ण कुमार डनसेना की रिपोर्ट, ACN 24।